जय माता दी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, 30 अगस्त 2021 सोमवार का दिन है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है आज के दिन, यानी कि जन्माष्टमी का पावन पर्व है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में हर वर्ष हम मनाते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, क्योंकि धार्मिक मान्यता है कि आज ही के दिन यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, उनकी प्रार्थना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप जो कि लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी आराधना आज की जाती है। विशेष रूप से अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है और इनकी पूजा की जाती है, आरती करके श्रृंगार किया जाता है। बहुत से लोग 56 भोग भगवान को लगाते हैं या अपनी श्रद्धा अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्त भगवान को भोग अर्पित करते हैं, मंत्र जप करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत श्रेष्ठ और बहुत पावन माना जाता है। जन्माष्टमी की रात्रि को मोह रात्रि माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण जो कि संसार को मोहित करने वाले हैं, इन्होंने अवतार लिया था। तो आज के दिन यानी आज की रात्रि में की गई जो पूजा होती है, प्रार्थना होती है, मंत्र जप होता है, ये बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। यंत्र निर्माण के लिए, मंत्रों की सिद्धि करने के लिए आज की रात्रि सर्वाधिक श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज की रात्रि में हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना किस प्रकार से करें, आज हमें कौन से कार्य जरूर करने चाहिए। जैसे कि जन्माष्टमी है, बहुत शुभ और दुर्लभ इस बार योग लगे हुए हैं, जैसे कि आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है जो कि सभी कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है, सभी प्रकार के मंत्रों को सिद्ध करने वाला होता है। और सर्वार्थ सिद्धि योग में की गई पूजा मंत्र जप उपाय शीघ्र ही फलीभूत होते हैं। और उसके अलावा आज रोहिणी नक्षत्र जो कि पूरे दिन रहेगा, अष्टमी तिथि जो कि अर्धरात्रि के बाद तक व्याप्त रहेगी, ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत दुर्लभ संयोग होता है कि रोहिणी नक्षत्र पूरे समय हो, यानी कि 30 अगस्त को सुबह से लेकर पूरी रात्रि तक रोहिणी नक्षत्र होगा, जो कि 31 अगस्त को 9:44 पर प्रातःकाल समाप्त हो रहा है। अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि भी है, तो इतने शुभ और इतने दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने का बहुत अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा। और अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा प्रार्थना करते हैं, तो वो बहुत ही शीघ्र फलीभूत होगी और शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होती है। कई गुना फल आज की गई पूजा प्रार्थना का हमें प्राप्त होता है। तो आज हमें कुछ कार्य विशेष रूप से जरूर करने चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा लोग व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो व्रत नहीं करते हैं, जैसे कि अधिकतर लोग आज के दिन व्रत करते ही हैं। जन्माष्टमी के दिन हमें व्रत जरूर करना चाहिए अगर संभव हो तो, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जरूर करनी है, मंत्र जप जरूर करना है। हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर चले जाएं, अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो भगवान श्री कृष्ण का, राधे कृष्ण का, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो, तो जाकर आप आज दर्शन जरूर करें। इससे बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है, सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है। तो क्या आज हमें जरूर करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कई सारे ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिनमें से अगर आप एक भी उपाय करते हैं तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे विश्वास से इन उपायों को करें, शीघ्र ही आपके मन की कामना भगवान श्री कृष्ण पूर्ण करेंगे। आज जन्माष्टमी पर हमें विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना है। अभिषेक हम प्रतिदिन करते हैं, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं, शिला है शालिग्राम की, तो हम अभिषेक करते हैं। लेकिन आज विशेष क्या है, देखिए आज बहुत शुभ योग है, तो आज जो आप अभिषेक करेंगे, आज जो पूजा करेंगे, उसका फल आपको कई गुना और बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। तो इसलिए जब आज आप अभिषेक करें, शंख में केसर मिश्रित दूध भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम की शिला है, विष्णु भगवान की मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, जो भी विग्रह भगवान का आपके पास उपलब्ध हो, उसका आपको अभिषेक करना है केसर मिश्रित दूध से, शंख के द्वारा। देखिए सनातन धर्म में सभी के घर में शंख तो अवश्य होता है, तो उस शंख में आपको ये दूध भरकर और अभिषेक करना है। उसके बाद से जल से, गंगा जल से आपको अभिषेक करना है और विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है, उन्हें वस्त्र धारण करवाएं, श्रृंगार करें उनका,
और उनके सामने माखन मिश्री का भोग अर्पित करें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो आपकी एक नहीं अनेकों समस्याएं समाप्त होती हैं और सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आज आपको ये जरूर करना है। और दूसरा जो उपाय आपको करना है, आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करना है। मोर पंख आप 5 या 7 की संख्या में अर्पित करें और भगवान श्री कृष्ण के पास उन मोर पंखों को रखकर उनके चरणों में अर्पित करके पूजा कीजिए विधि विधान से, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से धूप दीप नैवेद्य के द्वारा मोर पंख की भी पूजा करें। विधि विधान से जब आप पूजा कर लेते हैं उसके बाद, जैसे अब हम रात्रि में भी पूजा करेंगे, कल दिन में भी पूजा होगी, तो पूरे समय भगवान श्री कृष्ण की, कल तो मतलब 30 अगस्त के दिन हम पूरे समय यानी कि सुबह से लेकर और अर्धरात्रि तक, या फिर बहुत से भक्त तो मतलब ब्रह्म मुहूर्त तक पूजा करते हैं, अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी, तो आप जितनी भी पूजा करते हैं आज के दिन बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। तो जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाए आप चाहें तो ये मोर पंख अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। अगर आपके घर में धन की कमी है, धन का आगमन नहीं होता, धन का संचय नहीं होता, तो ये चीज़ें, ये मोर पंख, सभी मोर पंख उठाकर और आप अपने घर के धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको धन की समस्या नहीं है, अगर आपके घर में कलह क्लेश बहुत अधिक रहता है, तो ये मोर पंख आप अपने घर के बेडरूम में लगाइए। इससे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे होते हैं, दाम्पत्य जीवन मधुर होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है अगर आप अपने घर के बेडरूम में मोर पंख लगाते हैं। तो आप चाहे तो अधिक संख्या में भगवान को मोर पंख अर्पित करें। कुछ पंख आप अपने धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं और कुछ पंख अपने घर के बेडरूम में या फिर जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं एक साथ बैठक में भी लगा सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। और भगवान को मोर पंख जो हम अर्पित करते हैं, अपने बच्चों की किताबों में भी आप उन मोर पंखों को रख सकते हैं या बच्चों की अलमारी में भी, तो इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगेगा, बच्चों को सफलता की प्राप्ति होती है। तो मोर पंख बहुत महत्वपूर्ण होता है, भगवान को जरूर अर्पित करना चाहिए। और अर्पित करने के बाद, पूजा के बाद अपने घर के कोने कोने में उन्हें लगाएं। ध्यान रखें पैरों से ना लगें ये मोर पंख। और इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। आज भगवान को आप गाय और बछड़े की मूर्ति अवश्य अर्पित करें। आज गाय और बछड़े की मूर्ति अपने घर में लाकर अपने भगवान को अर्पित करना, मंदिर में अर्पित करना बहुत ही श्रेष्ठ होता है। इससे धन संपदा की वृद्धि होती है। और अगर संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो आपको जरूर भगवान को गाय और बछड़े की मूर्ति अर्पित करनी चाहिए। आज के दिन पूजा करें फिर विधि विधान से, जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं उसी प्रकार से भगवान के पास जो हम अर्पित करते हैं चीजें, उन सभी चीजों की भी पंचोपचार पूजा होती है। धूप दीप अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, इस प्रकार से आप पूजा करें उन सभी सामग्री की भी, क्योंकि भगवान को अर्पित की हुई चीजें भी भगवान के समान ही हो जाती हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आपको राधे कृष्ण के मंदिर जाना चाहिए और वहां जाकर आपको एक शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होती है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कष्टों से मुक्ति मिलती है, संकटों से मुक्ति मिलती है। आपको मनचाहा जीवन साथी चाहिए या फिर आपके नौकरी में परेशानियां आ रही हैं, विवाह में बहुत देरी हो रही है या फिर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, तो राधे कृष्ण के मंदिर में जाकर दर्शन करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं और वहां पर आप लड्डुओं का भोग अर्पित करें। बाद में वो जो लड्डू हैं वो किसी भी, जैसे गरीब मजदूरों को भी आप बांट सकते हैं, चाहे तो अपने परिवारजनों को दे सकते हैं, छोटे छोटे बच्चों में वितरित कर सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से उस लड्डू को, जैसे स्वयं तो ग्रहण करेंगे ही प्रसाद स्वरूप, लेकिन कुछ अन्य लोगों को भी वितरित अवश्य करें इस प्रसाद में से। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान को आज चांदी की बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी की बांसुरी खरीद कर, एक छोटी सी बांसुरी, और भगवान को अर्पित करें। पूजा के बाद अगर आप ये बांसुरी अपने धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो सदा ही धन संपदा में वृद्धि होती है। इसके अलावा आप बांस की बांसुरी भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे बांस की बांसुरी भगवान को अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और धन संपदा का आगमन होता है, घर से कलह क्लेश दूर होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो आज आप चांदी की बांसुरी अगर खरीद सकते हैं तो ज़रूर लेकर आएं। लेकिन इसके अलावा बांस की बांसुरी आपको ज़रूर लानी है। हर किसी को आज बांस की बांसुरी ज़रूर लानी चाहिए अपने घर में, भगवान को अर्पित करें। पूरे घर में अगर पूजा के बाद रात्रि में 12 बजे के बाद इस बांसुरी को आप अपने घर के पूरे कमरों में, सभी कमरों में, कोने कोने में घुमाते हैं तो कमरे के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो आपको आज ये उपाय जरूर करना चाहिए। और हाँ, आप व्रत करें या ना करें, इन सभी उपायों में से आपको जो भी उपाय ठीक लगते हैं जरूर करें। वैसे ये इतने आसान उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये सभी उपाय कर सकते हैं। आज के दिन भगवान को तुलसी की माला जरूर अर्पित करनी चाहिए।
तुलसी के पत्तों की माला। देखिए आजकल तुलसी बहुत आसानी से उपलब्ध भी है, बरसात का जब मौसम होता है तो तुलसी सभी के घरों में हरी भरी रहती हैं। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि तुलसी की माला भगवान को ज़रूर अर्पित करें। एकादशी की मेरी जितनी भी वीडियो है मैं आपको हमेशा कहती हूँ, तुलसी पत्ते तो हम भगवान को अर्पित करते ही हैं, इसके अलावा अगर तुलसी पत्तों की माला हम भगवान को अर्पित करते हैं तो हमारे मन की समस्त कामना भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आज आपको तुलसी पत्तों की माला अर्पित करनी चाहिए। लेकिन अगर तुलसी पत्ते ना हो तो आप तुलसी की माला जो दुकान पर मिलती है, बाजार से मिलती है, वैसी तुलसी की माला भी लेकर आएं और भगवान श्री कृष्ण को अवश्य अर्पित करें। आज भगवान श्री कृष्ण की कपूर से आरती करें। जब पूजा हम करते हैं रात्रि में 12 बजे के बाद, जब भगवान का जन्म हो जाता है, उसके बाद भगवान को उठाकर जब हम नहलाते हैं, मतलब अभिषेक करते हैं, अभिषेक के बाद उनका श्रृंगार करें, भोग अर्पित करें, उसके बाद आप कपूर से उनकी आरती करें तो शीघ्र ही आपके घर में धन संपदा में वृद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान को गायें बहुत प्रिय हैं। हम सभी जानते हैं भगवान गौओं के बीच में ही रहते थे, तो भगवान को गायें बहुत प्रिय हैं, तो हमें गौ सेवा आज ज़रूर करनी चाहिए अगर हम भगवान की कृपा चाहते हैं आज। तो अगर आप ठाकुर जी की कृपा चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहते हैं, तो आप गायों को हरा चारा खिलाएं। गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं, गुड़ रोटी या चीनी रोटी, मिश्री के साथ रोटी, या कोई मिठाई है तो मिठाई के साथ रोटी खिला सकते हैं आप। तो इस प्रकार से अगर गाय को मीठी रोटी आज खिलाते हैं तो जीवन में मिठास बनी रहती है। आज आप मंत्र जप कौन सा करें? देखिए आज बहुत महत्वपूर्ण रात्रि है, रात्रि को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो जो भी आप मंत्र जप करना चाहते हैं, अगर किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं आप, कोई मंत्र है जिसे आप चाहते हैं शीघ्र ही सिद्ध हो जाए, तो आज की रात्रि में जरूर उसे जपें। कब जपें? रात्रि में आप 9 बजे के बाद से जपना शुरू कर सकते हैं, और रात्रि में भगवान का जन्म 12 बजे होता है तो 12 बजे तक आप जपते रहें। फिर 12 बजे तक तो हम भगवान को जन्म कराते हैं, पूजा करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद चाहें तो आप फिर, जैसे पूजा हो जाती है उसके बाद चाहें तो फिर से ब्रह्म मुहूर्त तक मंत्र जप कर सकते हैं। मतलब पूरी रात्रि बहुत शुभ है, तो आप शाम से ही जप सकते हैं अधिक संख्या में जपना चाहते हैं तो। इसके अलावा आज आप भगवद गीता का पाठ जरूर करें। भगवद गीता का पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है, सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, पापों का नाश होता है, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज अगर जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रात्रि में हम भगवद गीता का पाठ करते हैं तो, विशेषकर जब भगवान का जन्म हो जाता है, यानी कि 12 बजे के पहले से ही आप पढ़ना शुरू करें और 12 बजे के बाद तक भी आप भगवद गीता का पाठ करते हैं, तो इससे भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है। आज पुरुष सूक्त के मंत्र का स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। अगर आपको कर्जों से मुक्ति चाहिए या फिर आप शत्रुओं से घिरे हुए हों, रोगों से परेशान हो, किसी भी प्रकार की ऐसी बाधा है जिससे आप बहुत परेशान हैं, दुखों से बहुत परेशान हैं, कष्टों से बहुत परेशान हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। देखिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आज के दिन, मतलब रात्रि कालीन जब भगवान का जन्म होता है रात को 12 बजे के बाद, तो 12 बजे जब भगवान का जन्म होगा, ठीक 12 बजे आपको शंख की ध्वनि करनी चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, थाली बजाएं, ये बहुत शुभ माना जाता है। घर में इस तरह से धूमधाम होना चाहिए जैसे कि एक छोटे बच्चे का जब जन्म होता है और हम घर में सभी उत्साहित होते हैं, उस प्रकार का उत्साह परिवार के सभी सदस्यों में होना चाहिए। तो 12 बजे जब भगवान का जन्म होता है, परिवार के सभी सदस्य एकत्रित होकर भगवान की पूजा करें, शंख बजाएं, घंटी बजाएं, उनकी आरती करें, उनका अभिषेक करें, सब भजन कीर्तन करें, इससे बहुत ही शीघ्र आपके घर में धन समृद्धि की तो वृद्धि होती ही है। जब हम धर्म करते हैं तो धन तो आता ही है, धर्म में आप जितनी वृद्धि करेंगे धन की वृद्धि अपने आप ही होती है, आपको भगवान से मांगना नहीं पड़ता है, भगवान स्वयं ही देते हैं। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, परिवार के सभी सदस्यों में ये उत्साह होना चाहिए कि भगवान का जन्म हुआ है और हम स्वागत करें उनका, उनको भोग अर्पित करें, उनको हम माखन मिश्री का भोग अर्पित करें, छप्पन भोग लगा सकते हैं अगर आपके पास संभव हो तो, या फिर जितनी भी वस्तुएं हम भगवान को अर्पित कर पाते हैं जरूर भोग स्वरूप अर्पित करनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप घर में बना सकते हैं, कुछ चीज़ें आप बाजार से मंगवा लीजिए, जैसे कि मिठाई हो गया या फल इत्यादि हो गए, पंचमेवा हो गया, तो ये सभी चीज़ें हमें भगवान को अर्पित करनी चाहिए रात्रि में 12 बजे विशेषकर। और पूरे दिन हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उनका श्रृंगार करके उनका दर्शन करना चाहिए।
दोस्तों, जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं उन्हें तो ये सभी कार्य करने ही हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जरूर करनी है। और ये सभी उपाय आपको जरूर करने चाहिए आज के दिन, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, हमेशा आपके घर में खुशियाँ बनी रहे, सुख संपदा बनी रहे, आपके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो, तो जन्माष्टमी के इस पावन पर्व को, इस दुर्लभ संयोग को व्यर्थ न गंवाएं, भगवान कृष्ण की आराधना में अपना अधिक से अधिक समय बिताएं। उम्मीद करती हूं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।